भूख बहुत कड़क होनी स्टार्ट हो गई है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे चिढ़ा रहा हो। अरे तेरा घागड़ा है। अच्छा बोला है? हाँ हाँ। हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होगे। तो गाइज अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैंने नहा लिया है, मैं तैयार हो चुकी हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि फिलहाल मैं बदरपुर में हूँ और यहाँ बड़ी मामी मेरी मतलब इतनी आवभगत कर रही है ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं अपने ससुराल वापस जाऊँ। यहाँ पर मुझे रियल मायके वाली फीलिंग आ रही है। बेड पर ही सुबह सुबह गर्म पानी आ जाता है, नाश्ता आ जाता है, गर्म दूध आ जाता है, मिठाइयाँ पता नहीं क्या क्या, मतलब घर में जितना सामान है साबरा मतलब मेरे आगे ला के रख देती है बड़ी मामी। ले बेटा ये खा ले, ले बेटा वो खा ले। मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ससुराल अभी। लेकिन मेरे पास एक दो दिन की छुट्टी और बाकी है। मेरे को कब्बू के काफी टाइम से कॉल आ रहे हैं, पीछे से मुझे पैलेस में मिलने आई थी, आपने देखा होगा व्लॉग में। तो उस दिन से रेगुलर उसकी कॉल आ रही है कि जयपुर में ही उसका घर है, आपको बताइए, तो मुझे बुला रही है कि आप मिल जा एक बार, मिल जा करके। तो अभी सब लोग वर्किंग है, यहाँ पे सब चले गए हैं, दीपा दीदी, सोनू, बड़े मामा और वहाँ छोटे मामी के मतलब बच्चे, मामा जी, सब लोग मतलब जॉब पे गए हुए हैं। तो फिलहाल घर पे अकेले ही हैं हम और मामी लगी हुई हैं काम पे अपने। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक फ्री हूँ तब तक मिलाती हूँ गब्बू को। तो अभी मैं थोड़ा सामान वगैरह रख लूँ जो रखना है, उसके बाद निकलूँगी घर से, मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। और अभी मैंने अपना ब्लॉग वगैरह एडिट कर लिया है और आपके कमेंट्स की रिप्लाई भी कर दी है। मैंने कहा पहले अपना काम कम्प्लीट कर लूँ, फिर किसी के घर में जाके फिर ऐसे फ़ोन पर लगे रहो अच्छा नहीं लगता, अगला कहेगा कितनी पत्नी जाइए। अभी घर से निकल गए हैं हम, मेरा भाई राजू जा रहा है मुझे छोड़ने के लिए। हाय राजू। हाय। ओ माय डैशिंग बॉय, मेरा सबसे हैंडसम वाला भाई है ये। तो अभी मुझे ऑटो तक छोड़ने के लिए जा रहा है, देखते हैं आगे क्या होगा, मिल जाए बस ऑटो, पहुंच जाए सही सलामत से घर। यहाँ पे तो फ़ोन निकालते समय भी डर ही लगता है, कोई हाथ से इधर छुपा के ले जाए। अभी घर के लिए कपड़े के थोड़े से संतरे लिए हैं। राजू मुझे कह रहा है अगर मेरा कोई पर्सनल काम भी होता ना मैं नहीं आता इतनी धूप में, पर दीदी आपको छोड़ने के लिए आया हूँ, मेरा भ्राता प्यार। ओह सच में यार बड़ी तगड़ी वाली धूप हो रही है। अभी राजू मुझे छोड़कर चला गया है, मैं बैठ गई हूँ ऑटो में और अभी ये सवारियों की वेट कर रहे हैं, सवारियाँ आएंगी तो फिर चलेगा ये ऑटो। यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम है। श्री राम मंदिर मीठापुर, अभी जयपुर में ही है, सवारियाँ फुल हो चुकी हैं। अभी हमारा ई रिक्शा चल पड़ा है, दोपहर के तकरीबन 2:30 बज चुके हैं। मेरे साथ की सभी सवारियाँ उतर चुकी हैं, लेकिन मुझे थोड़ा और आगे जाना है तो मैंने इनको बोला आप एक्स्ट्रा पैसा ले लेना मुझे, लेकिन घर के पास ही उतार दो। अब नई जगह कहीं और मैं यहाँ पे घूम हो गई तो क्या फ़ायदा। इस्माइलपुर वालों आज मैं तुम्हारे इलाके में घूम रही हूँ। अभी रिक्शे वाले भैया कब्बू से बात कर रहे हैं, अभी बस थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं, कब्बू वेट कर रही है मेरा वहाँ पर खड़ी होकर। वो रही कब्बू महारानी, जी मिलिए कब्बू महारानी से। हाय। बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ मैं यहाँ तक। नमस्कार अमो। ये है कब्बू का घर। जी चलो बेटा खूब चला छिलवाड़। ये क्या? इसके बिना आना नहीं होता। खुश रहो। इसके बिना नहीं होता। कैसे ठीक हो? बढ़िया। और आप? ये कब्बू के मम्मा है। आप क्यों बोल रहे हो मम्मी, तू बोलो उसको, मुझे तो तू तू बोल। अच्छा तो हाँ तू बस। उसको जलन हो रही है, उससे नहीं मतलब बर्दाश्त हो रहा है कि तू इसको इज्जत मिल रही है ना, तुझे नहीं मिलती तो किसको मिल घर में इज्जत। ये है कब्बू का भद्याओ। भतीजा है ये कब्बू का। नामकरण हो गया बाबू का। हाँ व्योम विशु। व्योम विशु। अच्छा व्योम विशु। व्योम लाग रो विशु। व्योम लाग रो। हाँ व्योम लाग रो। सब कुछ आने पैर वास में दे। बहुत तगड़े वाली गर्मी हो रही है, ये लगा लो कि आग बरस रही है आसमान से और सीधा मेरे सिर के ऊपर ही आके पड़ रही है। तो अभी मतलब पसीने से बुरा हाल हो गया था, तो कब्बू ने भी मुझे अपना कुर्ता दिया पहनने के लिए और खुशी की बात ये है कि कब्बू का कुर्ता मुझे आ गया। ये देखा मैं कितनी पतली हूँ, खाली मोटा मोटा कहते रहते लोग मुझे। पर मेहमान नवाजी शुरू हो चुकी है। अभी मिशी फोन चला के लेके आई है मेरे पास और मुझे कह रही है ये देखो मौसी आपके पुच्चू जी आ रहे हैं। बल ये कौन है कुच्चू जी? आपके हैं, आपके कुच्चू जी हैं। क्या बोलते हैं कुच्चू जी आपको? मिशी आपको क्या कहते हैं कुच्चू? मिक्सी। ये है कब्बू की भाभी जी। हाय भाभी जी, कैसे हो आप? बढ़िया
भैया कैसे हो? क्या बनाया है आज आपने मेरे लिए? कढ़ी चावल और राजमा। कढ़ी चावल और राजमा चावल? अरे वाह क्या बात है, ये कढ़ाई का एक सिर नहीं है। घर में ऐसे होते हैं बर्तन। सही है, अब देखते हैं भाभी के हाथ का टेस्ट आज कैसा है। भाभी मेरे लिए लगी हुई है स्पेशल किचन में। थैंक यू सो मच। भाभी जी आ गई हैं खाना लेकर। आय हाय सुनाना मिशु सुनाना। तू छे बड़ी खराबा अब के करूं रे, नशे में जी चूर है गयो। ओहो अबे धुपड़े की भात जोई के साथ। कलुआ हमें चाह रहा है, कलुआ हमें देख ला है, कलुए को भात खाना है। इसका नाम ही कलुआ रखा हुआ है क्या आपने? नहीं पागल है। नाम क्या है? विशु व्योम। तो फिर तुम बार बार से कलुआ कलुआ क्यों बोल रहे हो? हम बोलते प्यार से, जब आजकल काला हो गया। अच्छा बच्चों का रंग बाद में साफ हो जाता है बड़े होके। आरती बड़जोशी की प्लेट में चम्मच का क्या काम है, हम तो हाथ से धुपड़ेंगे। पर्स उठा के तो मौसी का उसे पर्स नहीं उठ रहा देख रही है। अभी हम भैया भाभी की शादी की एल्बम देख रहे हैं, यहाँ पर चल रही है जयमाला। अभी हम कब्बू की शादी की एल्बम देख रहे हैं, ये हल्दी की पिक्स चल रही है। देखिए कब्बू की मम्मी और कब्बू डिट्टो कॉपी पेस्ट लग रहे हैं दोनों ही। दुल्हन देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और यहाँ देखिए दुल्हन के गिज तन गए। दुल्हन की मौसी कब्बू रो के दिखाइए एक बार फिर से। रो क्यों रही थी इतना तू? है खुश हो रही थी मैं बोल रही थी लेट मत करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। अच्छा बोला तुझे लेट करती इसलिए रो रही थी कि जल्दी भेजो। है नक्कू निन्नू पुली गल के आ गया। शाम के तकरीबन 6 बज चुके हैं। मैं और कब्बू निकले घर से बाहर घूमी शूमी करने के लिए। कहाँ लेके जा रही हो कब्बू मुझे अपने एरिया में? आप हमारे एरिया की सूरत मार्केट में। सूरत मार्केट में क्या बहुत फेमस मार्केट है कुछ खास वहाँ का? नहीं ऐसी कोई फेमस नहीं है, बस गली वालों ने रख दिया है सूरत नाम। अच्छा देखना जी कैसे कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे चिढ़ा रहा हो। हाँ जयपुर में बहुत बड़ा प्लॉट है जहाँ पर तरह तरह के झूले लगे हुए हैं, जिम का सामान है, बच्चे खूब फन कर रहे हैं यहाँ पे, देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसी जगह ना हर इलाके में होनी चाहिए वैसे, और कुछ नहीं तो इकट्ठे बैठ होके बैठ ही जाओ, बातचीत ही कर लो। लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। इस साइड बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की पार्टी हो रही है, और सड़क की दूसरी साइड गाय भैंसों की हो रही है पार्टी। देखिए भर भर के सांड गाय सब यहाँ घूम रही हैं। बस सभी के लिए जगह छोड़ी गई, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। ये देखो प्लेयर्स सामने, यहाँ पर भी बच्चों की प्रैक्टिस चल रही है। और ये है सूरत मार्केट यहाँ की। सब्जियाँ ही सब्जियाँ। ये तो सब्जी मंडी है ना। फलों का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर, प्लास्टिक का सामान, चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ, कपड़े भी हैं। ये बड़ी वाली मार्केट है, बड़ी वाली मंडी है जहाँ पर कि ऑलमोस्ट आपके जरूरत का सामान मिल सकता है जो आपको चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। इधर की साइड कपड़ा मार्केट है। यहाँ पर हमें मिला 10 रुपए का खजाना। देखिए कितना कुछ है, 10-10 रुपए में चीजें। ये देखो बच्चों वाला सामान भर रही है यहाँ पे सारा। मुझे तो ये चाहिए इमली वाला। ये हमने कितना सारा खजाना भर लिया यहाँ से भूखे। यहाँ पे काउंटिंग की जा रही है सामान की। भाई साहब बता रहे हैं कि कोई मसाला है जो कि यूज होता है सब्जी वगैरह में, इसका नाम छबीला है। इसको देख के गाना याद आ गया मुझे, मेरी कब्बू छैन छबीली ये तो नचेगी। कितने की है?
टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज है रे तेरा घागड़ा है ओए 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 दिखा शक्ल तो दिखा जरा तेरे पे सूट कर रहा है ही बहुत गोरी है ना काले लग रहा है अभी हमने सामान वगैरह खरीद लिया जो खरीदना था अब जा रहे घर की तरफ वापस। जस्ट अभी हम घर वापस आ चुके हैं और घर आते ही मोमोज खाने स्टार्ट घर में गए मोमोज नक्कू के पापा आ गए हैं राम राम भाई साहब ये क्या और आपका लाडला क्या कर रहा है ये लाडला कह रहा है कि मेरे पैर की मालिश करो प्यो का लाडला बिगड़ गया ओह माय गॉड 50 के का एक और केक आया हैप्पी 50 के थैंक यू जल्दी जल्दी आपके 500 के हो थैंक यू ये टीवी में कौन सा नाटक चल रहा है इमली इमली खट्टी है मीठी है बेल यस नक्कू ने स्टार्टिंग कर भी दी नक्कू कैसा है टेस्टी है टेस्टी है आ जाओ बस बार बार बातों क्यों करते हैं ऐसे अभी अभी मिलेगा तो मिलेगा बाबू केक कटेगा तो सब में बटेगा डोंट वरी मिशी मंडरा रही है केक के पास ये केक मुझे दे दो मौसी नो उसका चला पोस्ट चल रहा है ये वो देखो अब चलेगा ये सेलिब्रेशन अपने आप आ जा रही है ये अब मेरी बारी है अब मुझे चलो 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 इसे प्रवाह करके आऊंगा भी यमुना में ये रात भर बजेगा नहीं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है सेलिब्रेशन भगवान करे आपके जल्दी 1-0 हो लगे और 500 के थैंक यू सो मच 50k हैप्पी 50k टू यू ये तो बनता है ये तो बनता है अरे अरे नो एली एली नो रुक जाओ विक्की मुंह पे विक्की मुंह पे बस नहीं लगाना है लगाना है नो 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 लगा विक्की लगा 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 ले विक्की अब हुई ना देख अब हुआ असली सेलिब्रेशन फोटो भी एक भी की एक सेलिब्रेशन तक की बात तो ठीक थी लेकिन ये मुंह का जो हुलिया बनाया वो देखिए उसके बाद मैंने कहा ये कैसे बच सकती है ना मतलब इसने मेरे साथ इतना अत्याचार किया तो मैंने भी इसके ऊपर अटैक किया वो वीडियो में शूट नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं तेरे को खुशी तो आ रहा है इस बात की नहीं मेरा भी चाट ले जरा बस इतना भी टेस्टी नहीं है इतना आजा तेरे को तेरे घर का रास्ता बताऊं काय सिंह का आजा मुंह धोएंगे अभी इकट्ठे चल आजा आजा सेलिब्रेशन हो गया फाइनली इन दोनों बच्चों की जिंदगी में
वो आ गया है लम्हा जहां इनको केक खिलाया जा रहा है। ये टीवी पता नहीं कौन सी खुशी में चल रहा है, कोई फायदा नहीं है इसका। ये देखो यहाँ पे इनके अलग ही बिजनेस चल रहे हैं, तीनों लगे हुए हैं फोन में। मीशो का देख ले हो? नक्कू का देख ले बताओ? बस फोन देख गया। फिर आप कौन हो जी? हम तो आपको जानते ही नहीं। अभी बारी है रात का खाना खाने की, रोटी के साथ मटर और मशरूम की सब्जी। बुआ बुआ बोला उसने। ममता मई टैलेंटेड दादी का टैलेंट देखिए। यहाँ पे साथ में मेथी काटी जा रही है, साथ में बच्चे को भी संभाला जा रहा है। मुझे दिखाओ, नक्चू को दिखाओ, मुझे कैसे वेटर का इसने केक खा के मुनी धोया ना। ये देखो लापरवाह माँ जिसने मुनी धोया, ये वो चल अनुपमा चल रहा है। चुप्पू, मेरी छोटी भाभी का फेवरेट शो अनुपमा, कभी मिस नहीं करती है। अगर कभी गलती से मिस हो भी जाए तो दोबारा देखा जाता है। फिर नमस्कार अंकल जी, ये है पिताजी कब्बू के। आज कब्बू की पूरी फैमिली से आपकी मुलाकात हो गई। मीशू तो लगी हुई है अपने फोन पे। बस अभी हम आ गए हैं ऊपर रूम में, थोड़ी देर में हम नीनू कर लेंगे, है ना बाबू। नक्कू की मम्मा नीचे चले गई, नक्कू लो लाए, आंखें देखो कैसे भरी हुई है इसने। अभी चुप कराया इसको, है ना गुड्डू, है ना। अच्छा नक्कू, मैं कौन हूँ? अरे बाके आती मौसी, पक्की बात है मैं आती मौसी हूँ। अच्छा आती मौसी कैसी है? कैसी आती मौसी, अच्छी है गंदी है? अच्छी है। छोटू छे लड्डू गोपाल कहाँ चल कर बैठ गए हो? कहाँ? लाइट गई। कहाँ गई लाइट? अभी कौन सी भाषा बोल रहे हो बे? पानी में डूबे हुए अंगूर आए हैं अभी पतेले में। नक्कू तो नहीं खाएगा? नक्कू खाएगा? नहीं खाएगा ना। चलो भाई, नक्कू को तो नीनू आ रहा है, नक्कू नहीं खाएगा। नक्कू की मौसी खा लेगी, है ना। हम खा लेते हैं भैया, हम खाएंगे। नक्कू तो नहीं खाएगा? नक्कू खाएगा? अच्छा लो, कैसा हो रहा है बता दो। अच्छा हो रहा है? बच्चे ना देखने में अच्छे लगते हैं, क्यूट क्यूट से, प्यारे प्यारे से बच्चे, लेकिन ये आफत कितनी निकालते हैं ना, ये इनके माँ बाप को ही पता होता है सच में। कब से रो रहा है इसको, घंटा हो गया बता रोते हुए को, सो ही नहीं रहा, ऊं ही चल रहा है इसका। रात के 12:30 बज चुके हैं, हम इसको सुलाने के चक्कर में जाग रहे हैं अभी तक। सच ए बोरिंग डे, सच ए बोरिंग पीपल, सच ए बोरिंग डे, सच ए बोरिंग पीपल। प्यार नहीं करता कोई, प्यार नहीं करती कब्बू, इसको जितना प्यार करो इसके लिए कम ही पड़ जाता है प्यार की भूखी। तो बस गए जा बेवफा जा हम। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो, और आज मैं अभी कब्बू के घर में ही रुक रही हूँ आज, क्योंकि कल सुबह हमने जाना है कहीं घूमी शूमी, जो कि आपको दिखाई देगा कल के व्लॉग में। तो ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करो, और बगल में इधर होता है ना, इधर होता है ना, होता होगा, हम यूट्यूबर्स नहीं है सॉरी, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और टाटा बाय बाय।